घर में जाते ना होमवर्क लिख लेंगे। अच्छा अप्पी जी। मामा जी मुझे फीडर दे दें और दुआ के पापा को खाना दे दें। अच्छा जी दे देते हैं। मैंने नहीं खाना दुआ, मुझे भूख नहीं है। पापा जी आपने रोजा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो दुआ अपना फीडर। नहीं मामा जी मेरा रोजा है। दुआ रमजान तो आने दो ना पहले। आ गया बस के एक दो दिन रह गया है। पापा जी देखना इस दफा मैं फिर रोजे रखूंगी और चुप चुप के खाऊंगी। पापा जी मैं भी मस्जिद हमारे घर के करीब ही है और मेरी बेटी दुआ रात को जितना भी देर से सोए सुबह फजर की अजान की आवाज कान में पड़ते ही उठ जाती है। फिर उसकी कोशिश होती है कि पापा जो कुछ करते हैं मैंने भी करना है। मैं मिसवाक करता हूँ तो मिसवाक मांगती है, वुजू करता हूँ तो वुजू करने बैठ जाती है, नमाज पढ़ने लगता हूँ तो साथ वो भी मुसल्ला बिछा लेती है, फिर तस्बीह तिलावत दुआ तक मेरे साथ मांगती है, फिर कायदा लेके आ जाती है, पापा मैंने अलिफ बा पढ़नी है, 2 साल की है और 100 साल के काम करती है, फिर किचन से उसकी मामा नाश्ते के लिए आवाज़ देती है, फिर दुआ नाश्ता लेकर आती है और हम साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। इतनी देर में उसके स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर मैं उसे स्कूल छोड़कर वहीं से शहर ड्यूटी पे चला जाता हूँ।